Anyone wants to share anything in that while? Some joke or something? Let's wait for one more minute. People are joining. Anyone wants to share anything in that while? You have nothing to share. You guys are so boring, huh? आप लोग कुछ मस्ती नहीं करते, कुछ enjoyment नहीं करते life में. आहान लॉकर के अंदर आइए, ऐसे वहां जाके शोर नहीं मचाना बाहर. ऐसे बाहर जाके मत करिए बेटा, अपना ध्यान खुद रखना. लास्ट क्लास किसी को याद है हम क्या कर रहे थे लास्ट क्लास में? ओके अन्वेषा अनम्यूट. मैम हमें अपने आप को मार्क्स देने थे. वी प्लेड अ स्मॉल वी डिड अ स्मॉल एक्टिविटी ऑफ चेकलिस्ट एंड नोइंग वेयर वी आर इन टर्म्स ऑफ आवर फिजिकल हेल्थ. तो हमने उसके लिए whether we are super kids or not, हमने checklist की थी वो, right? And it was in relation to which health? कौन से health के लिए किया था ये हमने? Anyone remembers? Okay, Anvesha. Then physically health. Right, we did it for our physical health. So if you remember so far what we have covered our social health, which is about our relations. We have covered our mental and emotional health, which is about our feelings and thoughts. And last we are covering now is physical health. So humne last class mein physical health aur kyun hamare liye important hota hai physically healthy rehna aur kya hum physically healthy and active hain, हमने ये सब एक्सप्लोर किया था, राइट? नाउ इन टुडे सेशन व्हाट वी विल बी डूइंग इज वी विल बी गोइंग वन स्टेप अहेड ऑफ इट. सो फॉर दैट व्हाट आई वांट यू टू डू इज जस्ट टेक 2 मिनट्स एंड थिंक कि अपने आप को फिजिकली हेल्दी या एक्टिव रखने के लिए आप क्या क्या फिजिकल एक्टिविटीज करते हो. ओके, सो व्हाट ऑल फिजिकल एक्टिविटीज यू डू टू स्टे फिजिकली हेल्दी. And then you can raise your hand to share. Is there anyone who's ready to share? कि आप अपने आप को कैसे फिजिकली हेल्दी रखते हो, क्या क्या फिजिकल एक्टिविटीज करते हो? Anyone who would like to share? Please raise your hand, people who want to share. Okay, Krisha. Man playing football. Okay. Listening music. Music बेटा physically के लिए होता है. क्या?
फिजिकली एक्टिव रहने के लिए हम म्यूजिक सुनते हैं, फिजिकल एक्टिविटी की बात हो रही है ना, तो म्यूजिक के साथ फिजिकल एक्टिविटी, वो कोई फिजिकल एक्टिविटी का पार्ट होगा। बताओ। नो मैम। ओके, तो आपने फर्स्ट क्या बोला था, योगा? यस। नो मैम। नो, व्हाट डिड यू से? मैम प्लेइंग फुटबॉल। ओके, यू सेड प्लेइंग फुटबॉल एंड व्हाट एल्स? एक्सरसाइज। ओके, एक्सेप्ट प्लेइंग फुटबॉल एक्सरसाइजेस। ओके राइट, एनीवन एल्स हु वांट्स टू शेयर? माय गुडनेस, पीपल डोंट डू एनीथिंग फॉर योर फिजिकल एक्टिविटी। हाँ, ओके अन्वेषा। मैम योगा योगा एंड अन्वेषा, आपने म्यूट कर रखा है बेटा। मैम थ्री गेम्स। गेम्स जैसे के? मैम जैसे कि आउटडोर गेम्स। गिव मी एन एग्जांपल ऑफ एन आउटडोर गेम। मैम क्रिकेट फुटबॉल। ओके, सो क्रिकेट फुटबॉल। ओके एंड मैम खो खो। ओके और कुछ आपको ऐड करना है? मैम बैडमिंटन। बैडमिंटन, ओके। मैम टेबल टेनिस। मैम लॉन टेनिस। लॉन टेनिस। मैम बास्केटबॉल। मैम एक्सरसाइज बता दी। ओके, एक्सरसाइज इज डन, राइट। ओके मनस्वी, मैम फिजिकल एक्टिव रहने के लिए हमें ऐसी चीजें करनी चाहिए जो हमें पसंद है, जैसे डांसिंग, म्यूजिक, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना, या राइडिंग साइकिल एंड प्ले गेम्स। गेम्स लाइक? मैम गेम्स लाइक बैडमिंटन, बैडमिंटन, क्रिकेट, टेबल टेनिस एक्सेट्रा। आपने एक बोला था म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बेटा उसका फिजिकल एक्टिविटी का पार्ट कैसे होगा? यस मैम नहीं होगा। मोहम्मद फैज। मैम यस। मैम हॉकी भी है। ओके, व्हाट एल्स? मैम हॉकी। व्हाट एल्स आई एम सेइंग बेटा? मैम क्रिकेट। मैम हाइड एंड सीक। हाइड एंड सीक। ओके ऑलराइट। जोया, मैम फुटबॉल एंड बास्केटबॉल। ओके
नाउ डिड यू ऑल सी वन थिंग, आपने जो भी मुझे फिजिकल एक्टिविटीज बताए हैं मैंने उनको दो अलग कॉलम्स में डिवाइड करके लिखा है. कैन एनीवन थिंक व्हाट्स द रीजन, क्या रीजन हो सकता है उनको अलग अलग लिखने का? क्या रीजन हो सकता है? एनीवन वुड लाइक टू गेस? अन्वेषा यू वांट टू ट्राई? नो मैम, मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहती थी. मैम जॉगिंग. आई हैव ऑलरेडी एडेड बेटा फ्रॉम योर चैट. ओके मैम. आपने चैट में लिखा था ना अभी. आई हैव एडेड दैट इन द एंड. ओके. ओके. नाउ कैन एनीवन थिंक क्यों मैंने अलग लिखा होगा? ओके, जस्ट टू गिव यू हिंट, आप थोड़ा सा ना इमेजिन करो, आप जब योगा करते हो और जब आप एरोबिक्स करते हो, ठीक है, तो दोनों एक्सरसाइजेस जब आप करते हो आपके बॉडी पर क्या असर आता है? थिंक इन दैट कॉन्टेक्स्ट में. व्हेन यू डू योगा व्हाट इंपैक्ट यू सी कमिंग टू योर बॉडी, या व्हाट डू यू एक्सपीरियंस व्हाइल डूइंग योगा? एंड सिमिलरली व्हेन यू आर डूइंग एरोबिक्स और एनी अदर डांसिंग जॉगिंग, तब आपको अपनी बॉडी में क्या एक्सपीरियंस होता है while you are doing that activity? What do you experience? Okay, Zoya? Ma'am, relax hota hai, ma'am, body ko, ma'am, exercise hoti hai. Wo to beta dono mein hoti hai na, but experience kya aa raha hai? Relax to aap dono se hoge, dono hi exercises hai. Anvesha? मैम जो हैंडीकैप्ड होते हैं मैम वो डांस नहीं कर सकते एंड मैम वो प्ले गेम्स नहीं खेल सकते एंड मैम जो हैंडीकैप्ड योगा कर सकते हैं. तो मैंने उसके साथ साइकिलिंग तो लिखा बेटा, तो अगर कोई हैंडीकैप्ड है तो वो साइकिलिंग भी नहीं कर सकता. सो व्हिच मींस दैट इज नॉट द बेसिस. और मैंने आपसे एक और चीज बोली थी कि आपके बॉडी पर आप क्या फील करते हो व्हाइल यू आर डूइंग द एक्सरसाइज. थिंक इन दैट कॉन्टेक्स्ट, सोचो सोचो क्या होता है जब आप योगा करते हो या फिर जब आप प्ले करते हो. कैन एनीवन थिंक? ओके कृषा ट्राई. मैम हम एरोबिक्स करने से मैम बहुत टायर्ड हो जाते हैं. मैम एरोबिक्स में हमारी बहुत सारी एनर्जी यूज होती है और मैम सांस भी फूलती है एंड मैम योगा हम आराम आराम से कर सकते हैं. मैम इसमें हमारा माइंड फ्रेश हो जाता है. राइट, सो व्हाट हैपेंस इज She's Krisha, you're partially correct in stating that कि जब हम fast exercises करते हैं, जैसे कि जब हम football खेल रहे हैं, exercises कर रहे हैं, aerobics कर रहे हैं, cricket खेल रहे हैं, खो-खो खेलते हैं, badminton, इन सब में आप अगर feel करोगे तो आप थोड़ी देर में tired भी होते हो. Why? Because you'll feel कि आपकी बहुत energy use हुई है and your heartbeat is increased. The heart is pumping blood at very fast rate. Heartbeat हमारी increase हो जाती है ना, right? तो ऐसे exercises क्या करती हैं? हमारे body की capacity को बढ़ाते हैं, काम करने की capacity को, basically, ठीक है? तो ऐसे exercises को हम बोलते हैं stamina building exercises, okay? So what do we call such exercises? We call them as stamina building exercises. But on the other hand, जब आप योगा करते हो आप रिलैक्स फील करते हो, आप ऐसे थकते नहीं हो ना, आपका हार्ट बीट ऐसे फास्ट हो रहा है, तो क्यों? क्योंकि जो आपकी मसल्स हैं वो रिलैक्स हो रही है, उनकी टेंशन फिनिश हो रही है. तो ऐसी एक्सरसाइजेस जिसमें हमारी मसल इन्वॉल्व होती है, मसल की पुलिंग या स्ट्रेचिंग हो रही होती है, तो हम इनको स्ट्रेंथ building, strength and flexibility building, sorry. तो हम ऐसे एक्सरसाइजेस को
स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी बिल्डिंग एक्सरसाइजेस कहते हैं, जिसमें हमारी मसल्स पुल हो रही हो, ओके, या स्ट्रेच हो रही हो, तो उसमें आपका योगा आता है, साइकिलिंग आता है, और कोई भी एक्सरसाइज फॉर्म करने से पहले हम थोड़ा सा वार्म अप करते हैं, वार्म अप में भी हम बॉडी को स्ट्रेच करते हैं, इवन दैट कम्स इनटू योर स्ट्रेंथ बिल्डिंग एंड फ्लेक्सिबिलिटी बिल्डिंग एक्सरसाइजेस। अपार्ट फ्रॉम दीज हम जिमनास्टिक्स करते हैं, उसमें भी पूरा बॉडी का स्ट्रेचिंग होता है। बट इफ यू सी साइकिलिंग, मैंने दोनों में लिखा है, क्यों? क्योंकि साइकिलिंग में आप जब पेडलिंग कर रहे हो या हैंडल होल्ड कर रहे हो, तो ऑफकोर्स आपका मसल्स यहाँ पे स्ट्रेच हो रहा है, तो विच इज वाई इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ स्ट्रेंथ बिल्डिंग एक्सरसाइज। और स्टेमिना का इसलिए, बिकॉज वेन यू आर पेडलिंग योर हार्ट इज ऑल्सो बीटिंग राइट एट अ फास्टर पेस, सो इट इज ऑल्सो बिल्डिंग योर स्टेमिना, तो ये दोनों में आता है। तो जो भी हम एक्सरसाइजेस करते हैं उनको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, वन दैट इज स्ट्रेंथ बिल्डिंग एंड फ्लेक्सीबिलिटी बिल्डिंग एक्सरसाइज, एंड द सेकेंड वन इज स्टेमिना बिल्डिंग एक्सरसाइज। हमें अगर ये समझ आ गया तो कैन यू प्लीज सी थम्स अप कि हम कौन से दो तरीके की एक्सरसाइजेस करते हैं। कैन यू प्लीज सी थम्स अप इफ यू ऑल हैव अंडरस्टूड। ओके, मोहम्मद बिलाल हैज अंडरस्टूड। Okay, Anvesha has understood, right? I will just repeat once again that strength building exercises वो होती हैं जिसमें आपकी जो muscles हैं वो stretch होती हैं, ठीक है? तो हम उन्हें strength building and flexibility building exercise कहते हैं। जैसे कि जब आप skipping करते हो, skipping भी दोनों में आते हैं, because when you are working with the rope like this, your muscles are also getting stretched. When you are jumping, then also your muscles get stretched, but it is also building your stamina. Okay, so it again comes in both the exercises. All right, so we divide the exercises based on whether it's stretching our muscles or whether it's building our capacity. So, कोई sports person है अगर, right? उसका कोई भी काम करने का जो capacity level है वो definitely मुझसे ज़्यादा होगा, क्योंकि उसकी body बहुत ज़्यादा stamina build हुआ हुआ है उसके body में, right? बट अगर कोई मुझसे कम करता है फिजिकल एक्टिविटी तो उसका स्टेमिना भी तो कम हुआ ना, तो इट मीन्स कि वो कम एक्टिव होगा मुझसे, और स्पोर्ट्स पर्सन मुझसे ज्यादा एक्टिव होगा। सो कैपेसिटी का मतलब होता है कि कितने आप एक्टिव हो कि आप ज्यादा से ज्यादा काम दिन में कर सको। सो दैट्स योर स्टेमिना, योर एंड्योरेंस। ओके, नाउ इफ यू सी आई हैव रिटन हाइड एंड सीक इन वन साइड। अब जब हम हाइड एंड सीक खेलते हैं तो हम कॉन्शियसली इसलिए नहीं खेलते ना कि मुझे अपनी फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखना है, वी डू इट बिकॉज वी आर प्लेइंग। सो अपार्ट फ्रॉम इट देयर आर मेनी मेनी अदर फिजिकल एक्टिविटीज दैट वी डू इन द डे। फॉर एग्जांपल हम स्टेयर्स प्रेफर करते हैं इंस्टेड ऑफ लिफ्ट या एस्केलेटर्स, या फिर अगर मार्केट नियर बाय है तो हम बाय वॉक चले जाए, राइट? ऐसे आप और चीजें सोचो जो एक्सरसाइज का पार्ट नहीं होती, वो कोई तरीके की एक्सरसाइज नहीं है, पर जब आप ये एक्शंस करते हो तो आप अपनी फिजिकल हेल्थ को मेंटेन कर सकते हो। तो ऐसा और क्या हो सकता है? जैसे कि आई जस्ट शेयर्ड कि अगर मार्केट नियर बाय है तो आप वॉक डाउन कर लीजिए सामान लाने के लिए इंस्टेड ऑफ गोइंग ऑन एनी व्हीकल, राइट? सेकेंड, एज आई टोल्ड यू कि हम लिफ्ट और एस्केलेटर्स यूज करने की बजाय हम स्टेयरकेस प्रेफर करें। और क्या हो सकता है? एनीवन हु कैन थिंक, और क्या हो सकती है ऐसे एक्टिविटीज जो कॉन्शियसली हमारी एक्सरसाइजेस नहीं है या स्पोर्ट्स नहीं है कोई भी, और क्या कर सकते हैं हम? एनी गेस? ऑलराइट जोया, जोया यू हैव नॉट अनम्यूटेड बेटा। मैम स्कीपिंग। Skipping is a form of exercise. आपने वो सोचना है जो exercise का part नहीं है, okay? Okay. Yeah. और सोचो और क्या हो सकता है? Okay. और क्या हो सकता है? Anyone? अन्वेषा? मैम इंडोर गेम्स। इंडोर गेम्स में जैसे कि
मैम वर्डोलॉजी, अंतराक्षी, लूडो, चेस। इसमें आपका फिजिकल इन्वॉल्वमेंट या मूवमेंट कैसे हो रहा है? होगा फिजिकल। बताइए। नो मैम, मैम कुकिंग में हमारे हैंड्स वर्क करते हैं, तो मैम कुकिंग कुकिंग होता है, कुकिंग में आपका मसल स्ट्रेचिंग होता है, डेफिनेटली यस इट्स करेक्ट आंसर, राइट अन्वेषा। और सोचिए और ऐसा क्या करते हैं हम? हाउ अबाउट टेकिंग योर पेट, इफ यू हैव अ पेट, अपने पेट को वॉक पे लेके जाना, क्या हम कॉन्शियसली जा रहे हैं कि हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, या हम सिर्फ वॉक के लिए उसको लेके जा रहे हैं, सो दैट ही गेट सम चेंज, राइट? सो इवन दैट इज अ पार्ट ऑफ अ फिजिकल एक्टिविटी विच इज नॉट एन एक्सरसाइज। जोया मैम क्लीनिंग, क्लीनिंग यस, when we do cleaning, definitely when you're cleaning your cupboards and all also, your arms muscles are moving alongside, definitely yes. Okay. Anyone else who wants to share after cleaning as Zoya just shared? Or kya ho sakta hai? What about when we ask a mama, mama please meri plate rakh do. Hana? When mama picks up our plates, wahan physical activity kar sakte hain, but hum nahi karte. Similarly, please mujhe pani de do, please mujhe ye glass de do. We are asking for it. But agar hum khud uthkar jayenge, तो हम फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, राइट? सो इफ यू लुक एट दिस, फिजिकल हेल्थ मेंटेन करने का मतलब सिर्फ एक्सरसाइज नहीं होता, इसका मतलब ये भी है कि कुछ एक्टिविटीज हम डेली रूटीन पे करते हैं जो हमारी बॉडी को एक्टिव रखती है। ऐसे एक्टिविटीज को हम फिजिकल एक्टिविटीज कहते हैं और एक्सरसाइज इसका एक पार्ट है। तो अगर आप गेम खेलते हो जैसे हाइड एंड सीक, अब उसमें आप छुप रहे हो, तो कभी आप नीचे बैठते हो, कभी आप इधर होके छुपते हो, कभी थोड़ा सा रन करते हो, तो फिजिकल एक्टिविटी अपने आप आ रही है, पर आप प्रॉपर कोई रनिंग उसमें नहीं कर रहे, राइट? सिमिलरली आपके जैसे और गेम्स हो गए ऐसे वाले, जैसे आई मीन आई जस्ट नेम इट इन हिंदी, आई हैव हर्ड वन ऑफ द गेम एज बर्फ पानी पीपल प्ले, राइट? उसमें भी आप रनिंग करते हो थोड़ा सा, राइट? अपार्ट फ्रॉम इट, अपने पेट को वॉक पर जैसे मैंने आपसे कहा शेयर किया था लेके जाना, अपने मम्मा का हेल्प करना इन सर्विंग फूड, तो जब आप किचन से डाइनिंग टेबल तक लाते हो एंड देन यू टेक इट बैक, सो इवन दैट्स योर फिजिकल मूवमेंट। सो दीज मूवमेंट्स ऑल्सो मेक यू एक्टिव, एक्सरसाइज सिर्फ इसका एक पार्ट है। तो एक्सरसाइज का मतलब है जो आप प्रॉपर टाइम अपने आप को देते हो कि मुझे ये अपने बॉडी के लिए करना है, and you indulge in either stamina building or strength building exercise, ठीक है? तो ये exercise होता है, but पूरे दिन में हम exercise के अलावा जो भी काम करते हैं जिसमें हमारी muscle stretching वगैरह आ रही हो या फिर हमारी physical movement आ रही हो, चलना फिरना आ रहा हो, वो हम physical activity में consider करते हैं। So instead of lazing around, it's important to be physically active more. तो उसमें आप अपनी मम्मा की हेल्प कर सकते हो, इंस्टेड ऑफ आस्किंग पीपल टू गिव यू ग्लास ऑफ वाटर या फिर बॉटल ही अपने पास रख के बैठ जाने से अच्छा है आप उठकर जाइए, बिकॉज आप पानी को एवरी 5 मिनट्स में तो नहीं पियोगे, यू विल ड्रिंक आफ्टर 30 मिनट्स और मैक्स टू मैक्स 1 आवर, राइट? तो आप जहां बैठे हो आप वहां से उठकर जाओगे अगर वो ग्लास लेने,
सो इट्स इट्स लाइक अ फिजिकल मूवमेंट दैट हैज हैपेंड इन योर बॉडी, क्योंकि आप बहुत देर से बैठे हुए थे, तो आप थोड़ा सा स्ट्रेच रिलैक्स भी कर सकते हो एंड देन यू कैन गो. सो इट इज ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू योर फिजिकल हेल्थ सो दैट यू डोंट बिकम लेजी. ओके, आर वी क्लियर ऑन दिस? हम सबको समझ आ गया फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइजेस का मतलब, राइट? Just show me a thumbs up, people. How will I get to know then? Okay, right. Ishan has given a thumbs up. Fine, people. So now after this, we move on to another concept for a while and we will again come back to this. All right. Yes, Andesha, even washing clothes, provided we are washing it with our hands, not in the machine then. Then yes, it is. All right. So, अभी हमने देखा कि हम क्या क्या एक्सरसाइज करते हैं अपने फिजिकल हेल्थ के लिए. अब हम ये देखेंगे कि फिजिकल हेल्थ तो डाइट से भी है ना, तो अब आप थोड़ा सा याद करो और मुझे बताओ आज आपने दिन में क्या खाया है, ठीक है? So what you have eaten since morning till now, just let me know that. And let's see कि जो हम खाना दिन में खाते हैं हम उसको कैसे डिवाइड कर सकते हैं. जैसे अभी हमने एक्सरसाइजेस देखे ना कि हम एक्सरसाइजेस को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, ऐसे ही जो हम खाना खाते हैं उसको हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं हम वो देखेंगे. ओके, सो जस्ट टेक 2 मिनट्स टू थिंक एंड आई विल प्रिपेयर द स्क्रीन इन द मीनवाइल देन वी कैन शेयर. Okay, so Anvesha is ready. Anvesha, let's go ahead with you. Yes, ma'am. मैंने सुबह मैंने भी lunch नहीं किया, breakfast किया. Okay. Ma'am, मैंने सुबह 1 glass milk and apple. Okay, so you have eaten milk. You drank milk. Okay, and you have eaten apple. And mom, उसके बाद वेज चीला. Okay, so वेज चीला was it made with बेसन? Yes, ma'am. And you had vegetables in it? Yes, ma'am. So can I segregate into a चीला into बेसन चीला? Because हम बेसन की बात कर रहे हैं, ठीक है? Yes, ma'am. Let me put it here. ओके, सो यू सेड अन्वेषा कि आपने वेजिटेबल चीला खाया था, तो हमने वेजिटेबल लिख लिया है बेसन चीला हियर और उसमें ऑयल डाला था. आई हैव रिटन दैट आल्सो. ओके, एनीथिंग एल्स यू हैव ईटन? एंड मैम, नारियल पानी. नारियल पानी, कोकोनट वाटर, फ्रूट का ही पानी. यस मैम, कोकोनट वाटर. राइट, इट विल कम इन फ्रूट. Okay, Prisha. Ma'am, a cup of milk. Okay, milk is written. What else? 1 apple and ma'am, sandwich. Okay, so when I say sandwich, in sandwich you have eaten bread, right? Yes, ma'am. Butter. And vegetables. Okay, there was butter. And there are vegetables. So vegetable is written. Anything else? No, ma'am. All right. Anyone else who wants to share?
हरिंदर अनम्यूट. यस मैम. यस, व्हाट हैव यू ईटन सिंस मॉर्निंग? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है. हरिंदर मेरी आवाज बहुत क्लियरली आ रही है और आपका भी नेटवर्क. मैम बट हमें नहीं आ रही है. तो आपको कैसे पता? मैम हमें एक भी आवाज नहीं आ रही है जरा सी भी. हरिंदर योर ग्रैंडमा सेड समथिंग इफ यू वर लिसनिंग टू दैट. ओके पूर्णिमा प्लीज अनम्यूट. पूर्णिमा प्लीज अनम्यूट. आदित्य त्यागी प्लीज अनम्यूट. यस मैम. ओके पूर्णिमा व्हाट हैव यू ईटन बेटा सिंस मॉर्निंग? आपने क्या क्या खाया है? मैम मिल्क एंड मैम ब्रेड. ओके मैम बनाना. व्हाट डिड यू से? मैम बनाना. ऑलराइट बनाना. मैम बस इतने खाया. ओके सौम्या महाजन प्लीज अनम्यूट. मोहम्मद खान. What have you eaten, beta? Please unmute. I've sent you the prompt already. Please unmute yourself first, Mohammed. Aap mute par ho. Haan ji. Yes. What have you eaten since morning? Ma'am, egg and toast. Okay. So toast means it was a buttered bread or plain bread? Yes, ma'am. All right, fine. Thank you. All right, people. Firstly, I would say today I'm not enjoying the session because I see only 2-3 people speaking. And all those people who are here with your screens off, I don't know what you are doing here when you don't even know that your teacher is calling you out. So next time onwards, if you choose to be here, I request you to turn your cameras on because then only you will be counted in the class. Be very clear on this, please. Because with for me, cameras off means you are not there. Be very clear. Okay. Apart from this, let me just elaborate a list a bit for you to get clear understanding. हम ब्रेड खाते हैं, हम रोटी खाते हैं, हम पराठा खाते हैं, हम पोहा खाते हैं, हम सूजी रस्क खाते हैं, मीट उपमा. Okay, similarly milk में हम milk के अलावा curd खाते हैं. We eat paneer and we eat cheese. Then fruits, we can have more vegetables. We all know besan, chila, egg. Iske alawa aap dal khate ho, so your pulses. So pulses come into this category. Iske alawa besan, chila, egg, pulses ke alawa aapke soya products jaise soya bean, Nutella ho gaya ya tofu ho gaya, aap wo khate ho. Then there are also people who eat meat, who eat fish, who eat chicken, right? Apart from this, when we eat roti and paratha, us pe hum ghee bhi use karte hain. So we also eat ghee and we also eat nuts. Okay?
So these are different groups or categories in which we are eating foods. Now let's name them. आपकी रोटी, राइस, कॉर्न, स्वीट कॉर्न्स, ये सब किस ग्रुप में आते हैं? ये आते हैं जिस ग्रुप में उसका नेम है सीरियल ग्रुप. ओके, सो दिस इज योर सीरियल ग्रुप, जिसमें आपका पोहा आ गया, राइस आ गया, उपमा आ गया, वर्मसली आ गया, ब्रेड, पराठा, रोटी. सो इट कम्स इनटू सीरियल ग्रुप. अपार्ट फ्रॉम दिस, जिसमें आपके सारे मिल्क प्रोडक्ट्स आए, तो उस ग्रुप को हम बोलते हैं डेयरी ग्रुप. उस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? वी से इट एज डेयरी ग्रुप. ओके, देन वी हैव फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कमिंग टुगेदर इन फ्रूट एंड वेजिटेबल ग्रुप, जिसमें सारे फ्रूट्स और सारे वेजिटेबल्स आते हैं आपके. ओके, सो दिस इज योर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ग्रुप. अब जिसमें आपके पल्सेस आते हैं या मीट आता है, दैट इज योर पल्सेस एंड मीट ग्रुप. एंड लास्टली यू हैव बटर, ऑयल, तो ये होता है आपका फैट्स एंड ऑयल ग्रुप. राइट, सो दिस इज योर फैट्स एंड ऑयल ग्रुप. तो जो भी हम खाना खाते हैं पूरे दिन में, अगर हम उसको ब्रेक करके देखें, कोई भी मील आप खाते हो, वो इन सब ग्रुप्स में से आ रहा है. ठीक है, तो लेट्स से अगर आपने एग्जांपल लिया कि आज आपने लंच में दाल एंड राइस खाया, तो अब आपने राइस में राइस लिए, वो सीरियल ग्रुप से आ गया आपके. आपने दाल ली, वो पल्सेस ग्रुप से आई. एंड अपार्ट फ्रॉम इट, यू हैव एडेड जिंजर टू इट, यू हैव एडेड गार्लिक टू इट, यू हैव एडेड अनियन एंड टमाटर टू इट, दैट इज कमिंग फ्रॉम योर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ग्रुप. एंड फॉर कुकिंग राइस एंड दाल, यू हैव ऑल्सो यूज्ड ऑयल, तो ऑयल ग्रुप से भी आपका आ रहा है. राइट, इफ यू लाइक ईटिंग लंच में कर्ड या रायता साथ में, सो लेट्स से इफ यू आर ईटिंग क्यूकम्बर रायता, देन यू हैव कर्ड एंड क्यूकम्बर. सो कर्ड डेयरी ग्रुप, क्यूकम्बर कमिंग फ्रॉम वेजिटेबल ग्रुप, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ग्रुप. सो जो भी हम खाना खाते हैं, वो इस तरीके से हमारे ग्रुप्स में डिवाइडेड है. तो इट मीन्स कि हमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि हम सब ग्रुप्स में से खाना आइडियली खाएं. ओके, नाउ लेट्स कम बैक टू अवर फिजिकल एक्टिविटी एंड अंडरस्टैंड व्हाट वी हैव टू डू विद इट. अब हमें एक्टिविटी समझ आ गई, हमें ये समझ आ गया कि कैसे हम डिवाइड कर सकते हैं. अब हम अपने लिए फिजिकल एक्टिविटी का एक प्लान बनाएंगे. Okay, now to make that activity plan, I request you to get a sheet for yourself, या फिर आप इमेज क्लिक कर लीजिए ये टेबल का. यू कैन क्लिक द पिक्चर ऑफ दिस एंड यू कैन फिल इट. तो आपने इसमें फाइव कॉलम्स बनाने हैं. फर्स्ट कॉलम डे ऑफ द वीक, सो मंडे, ट्यूजडे, वेनजडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे. डेली एक्टिविटीज, आप रोज क्या एक्टिविटीज कर सकते हो आपने वो लिखनी है. फिर एरोबिक एंड रिक्रिएशन एक्टिविटीज है आपकी, वो है स्टैमिना बिल्डिंग एक्टिविटीज आप क्या करोगे. लेजर और स्ट्रेंथ में आप स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी बिल्डिंग एक्टिविटीज लिखोगे. और लास्ट में कट डाउन ऑन, क्या चीज आप नहीं करोगे. तो एक्टिविटी पिरामिड, लेट्स लुक एट द एक्टिविटी पिरामिड अगेन. सो एक्टिविटी पिरामिड में अगर आप देखोगे, तो एवरी डे एक्टिविटीज हम रोज करते हैं. एरोबिक एक्टिविटीज, स्टेमिना बिल्डिंग हम 3 to 5 times करते हैं वीक में. स्ट्रेंथ बिल्डिंग एक्टिविटी हम वीक में 2 to 3 times करते हैं. और कट डाउन, किस चीज को हम फिनिश करते हैं, तो फिनिश जैसे कि लिफ्ट लेना, एस्केलेटर्स यूज करना, ये हमें नहीं लेने चाहिए. ओके, सिमिलरली आस्किंग मम्मा एंड पापा कि प्लीज हमें खाना ला दो, ये हमारे खाने की प्लेट रखाओ, वील कट डाउन ऑन दैट. तो अब हम इसे कैसे डिवाइड करेंगे. अब फॉर एग्जाम्पल, मैंने मंडे लिया. मंडे को मैं डेली एक्टिविटी क्या करूंगी, फर्स्ट आई विल टेक माई पेट फॉर वॉक, सेकेंडली आई विल डू ऑल माई वर्क माई सेल्फ. सो उसमें मेरे को पानी उठाना है, मुझे कोई बुक लेके आना है, कुछ करना है. सो दिस इज वॉट आई विल डू ऑन मंडे. मैं ये रोज भी कर सकती हूँ, तो मैं मंडे टू संडे में सेम चीज भी लिख सकती हूँ. ओके, अब मुझे स्टैमिना एक्सरसाइज करनी है, तो स्टैमिना बिल्डिंग एक्सरसाइज लेट्स से मंडे मैं अलग अगर लिखना चाहूँ, तो मंडे, वेनसडे, फ्राइडे, संडे आई कैन चूज 4 एक्सरसाइजेस. फॉर एग्जाम्पल, मंडे आई कैन डू रनिंग,
वेडनेसडे को आई कैन डू स्किपिंग देन फ्राइडे को आई कैन गो आउट एंड प्ले बास्केटबॉल एंड ऑन संडे लेट्स से आई कैन डू जुम्बा और एरोबिक्स ठीक है सिमिलरली मैं स्ट्रेंथ बिल्डिंग में क्या कर सकती हूँ ट्यूजडे आई एम लेफ्ट विथ ट्यूजडेज थर्सडेज एंड सैटरडे सो लेट्स से ट्यूजडे एंड सैटरडे आई डू योगा एंड थर्सडे आई डू साइकिलिंग राइट सो ऐसे ही आप अपने पास प्लान बनाओ आप सेम एक्टिविटीज भी लिख सकते हो 5 days के लिए वीक में या 3 days के लिए वीक में या फिर आप अलग अलग भी कर सकते हो या आप ये भी कर सकते हो कि एक वीक आप सिर्फ रनिंग ही करते हो स्टैमिना बिल्डिंग में नेक्स्ट वीक लेट्स से आप सिर्फ जुम्बा ही करते हो आप ऐसे भी बना सकते हो प्लान अपना ओके एंड लास्ट कट डाउन तो क्या चीज आप नहीं करोगे तो वो जो भी चीज अगर आपको रोज में डालना है यू कैन पुट इट इन एवरी डे अगेन ओके So this is what you will be making for yourself. And after you make it, you have to follow it. And then you will be sharing with me कि जब आपने ये plan बनाया और follow किया, आपको अपने में क्या change observe हुआ? अभी आपको पता आप बिना plan के हैं. अब इसके बाद जब आप plan बनाएंगे, तो आप अपने में क्या change observe कर रहे हैं? This is what you have to keep a track of. Right? So this is what you will be sharing with me in the next class. So I would request you to please take the picture of it. अगर आप मोबाइल से हैं सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट इफ यू आर ऑन द लैपटॉप यू कैन क्लिक इट बाय अ फोन इन दैट मैटर और यू कैन प्रिंट द स्क्रीन एज अ कमांड दैट्स अप टू यू हाउ यू वांट टू गो अहेड एंड डू इट सो यू कैन टेक द पिक्चर एंड कंप्लीट दिस वर्क सो दिस इज योर होमवर्क दैट यू हैव टू मेक द एक्टिविटी प्लान फॉर योरसेल्फ एंड यू कैन रेफर टू पेज 4 ऑफ योर बुक फॉर योर एक्टिविटी प्लान आप अपनी बुक का पेज 4 देख सकते हैं एक्टिविटीज के लिए सजेशंस लेने के लिए ऑलराइट आई विल स्टॉप द स्क्रीन शेयर हियर एंड आई विल जस्ट टाइप द होमवर्क